टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज इसमें हम एम Trade Theory ट्रेड थ्योरी का दूसरा मॉडल पेपर करेंगे इससे पहले हमने मॉडल पेपर वन किया है जिसको आप यहाँ पे हमने लिंक दे दिया यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा मॉडल पेपर हमने आपके सेकेंड ई ईयर के पूरे सिलेबस से इसमें हमने क्वेश्चन चूज किए हैं चालीस क्वेश्चन होंगे टोटल सेकेंड ईयर एग्जाम अगर आप बैठने जा रहे हैं इस बार सी एग्ज़ाम में या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप सी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोज आई की साथ ही जॉब्स की मिलती रहें आपको जिस भी ट्रेड का आपको कुछ इसमें सर्च करना है आप टेक स्टडी यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं टेक स्टडी साथ में एम या टेक स्टडी कोपा टेक स्टडी फिटर आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच इस तरह के इस बार फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं सी एग्ज़ाम में तो ये क्लच आपको देख के बताना है कि किस टाइप का क्लच है सिंगल प्लेट क्लच डॉक क्लच मल्टी प्लेट क्लच या कौन क्लच राइट right आंसर आपका ऑप्शन डी इसको हम बोलते हैं कैसा कौन क्लच क्वेश्चन नंबर दो है हुइच इंस्ट्रूमेंट इज यूज़ टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील यानी फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए हम किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं डायल इंडिकेटर बोर डायल गेज आउटसाइड माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर तो जो फेस आउट चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं डायल इंडिकेटर से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डायल इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर थ्री है वट इज़ द टाइप ऑफ ड्राइव ये ड्राइव आपको देखनी है और बतानी है आपको ये किस तरह की ड्राइव है ठीक है टॉर्क ट्यूब ड्राइव हॉच किस ड्राइव फोर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव तो ये है आपका ऑप्शन ए टॉर्क ट्यूब ड्राइव आप यहाँ पे देखिए ये है आपका क्या टॉर्क ट्यूब ड्राइव क्वेश्चन नंबर फोर है हुई इज नॉइज़ फ्री क्लच यानी नॉइज फ्री क्लच कौन सा है आवाज़ से रहित क्लच कौन सा है सिंगल प्लेट क्लच डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच मल्टी प्लेट क्लच या डॉग क्लच राइट right आंसर आपका ऑप्शन बी डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच क्वेश्चन नंबर फाइव हुई फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच यानी इसमें से कौन सा फैक्टर है जो क्लच द्वारा टॉर्क ट्रांसमिशन यानी जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है उसको प्रभावित नहीं करता है साइज ऑफ क्लच प्लेट को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन नंबर ऑफ क्लच प्लेट यूज या एक्सीयल लोड ऑन द क्लच राइट आंसर आपका ऑप्शन डी एक्सीयल लोड ऑन द क्लच सिक्स है व्हाट इज द रोल ऑफ एबीएस ब्रेक जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है आपका एबीएस जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रेकिंग ऑप्शन बी इंक्रीज फ्रिक्शनल पावर ऑप्शन सी प्रिवेंट्स स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स या ऑप्शन डी रिड्यूस द ब्रेक फेलियर्स तो जो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसका जो आ, रोल है वो होता है फिसलने से रोकना यानी प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ व्हीकल वाहन को फिसलने से रोकना क्वेश्चन नंबर सेवन है व्इच पार्ट कनेक्ट्स प्रोपेलर साफ्ट प्रोपेलर साफ्ट से किस को किस भाग से कनेक्ट होता है यानी प्रोपेलर साफ्ट जो है किस भाग से कनेक्ट होता है क्लच सॉफ्ट एंड फ्लाई व्हील गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव या कैम साफ्ट एंड क्लच सॉफ्ट क्रैंक साफ्ट एंड फाइनल ड्राइव राइट आंसर आपका ऑप्शन बी गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव क्वेश्चन हम रेट है व्हाट कॉज नॉइजी गियर बॉक्स इन न्यूट्रल पोजीशन ठीक है न्यूट्रल पोजीशन में गियर बॉक्स से अगर आवाज़ आ रही है तो वो किस रीजन से आ रही है उसका का क्या कारण है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक ठीक यानी सिंक्रोनाइजर यूनिट अटक गई हो बियरिंग आउट आर ड्राई बियरिंग खराब हो गई हो. हो या सूखी हो सिंक्रोनाइजर डिफेक्टिव सिंक्रोनाइजर खराब हो या सिंक्रोनाइजर आउट यानी जो सिंक्रोनाइजर है वो खराब हो गया हो टूट गया हो राइट right आंसर आपका ऑप्शन बी बियरिंग आउट आर ड्राई क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग ये आपको देख के बताना है फिगर में ये किस तरह की आपकी सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग है ठीक है मोनोलीफ स्प्रिंग फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग मल्टीपल लीफ स्प्रिंग या कॉयल स्प्रिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम ठीक एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो कंप्रेसर का अधिकतम प्रेशर होता है वो कितना होता है तो वो होता है आपका 120 सौ बीस से एक सौ ठीक है 120 से 125 PSI पच्चीस एस आई क्वेश्चन नंबर इलेवन है वाट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो इन द टायर स्ट्रक्चर टायर के स्ट्रक्चर में एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है तो जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज रेशियो ऑफ़ टायर हाइट टू टायर भीट यानी टायर की चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई के बीच का प्रतिशत होता है रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं टायर का एस्पेक्ट रेशियो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हुइ टाइप ऑफ व्हील कॉन्शियस टू सेपरेट डिस्क आर क्लैंप्ड टूगेदर यानी किस तरह के व्हील में दो सेपरेट डिस्क होती है जिनको हम एक साथ क्लैंप किए रहते हैं तो इसका राइट right आंसर है सिंपल सा स्प्लिट व्हील ठीक है दो पार्ट्स में होता है जिनको हम क्लैंप करके बना देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हुइच डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग कन्वर्ट्स द स्टेयरिंग टॉर्क इनपुट एंड इट्स डायरेक्शन टू द वोल्टेज सिग्नल ठीक है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग में कौन सी डिवाइस है जो स्टेयरिंग टॉर्क को इनपुट में और डायरेक्शन स्टेरिंग टार्क इनपुट और डायरेक्शन को वोल्टेज में मतलब देती है आपका वोल्टेज में सिग्नल देती है ठीक है ऑप्शन ए है रोटेशन सेंसर बी है टॉर्क सेंसर सी है हाल इफेक्ट सेंसर या डी है टेम्परेचर सेंसर राइट आंसर आपका बी टॉर्क सेंसर कुछ अब प्रफीन हुई चीज़ द हर्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टेयरिंग सिस्टम इंटीग्रल पावर स्टेयरिंग सिस्टम का हर्ट किसे कहते हैं हम तो जो इंटीग्रल पावर स्टेयरिंग सिस्टम होता है उसका हर्ट होता है आपका रोटरी कंट्रोल वाल्व ऑप्शन बी रोटरी कंट्रोल वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कास्टर इन व्हील अलाइनमेंट ठीक है व्हील अलाइनमेंट में कैस्टर का क्या उद्देश्य रहता है चार ऑप्शन है यहाँ पे जो कैस्टर होता है उसका मेन जो पर्पज होता है वो होता है मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ठीक है जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है और कंट्रोल है उसको वो मेंटेन रखता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है व्हाट विल अफेक्ट इन केस ऑफ ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स ठीक है अगर ओवर इन्फ्लेटेड टायर है ठीक है तो उसका क्या इफेक्ट होगा ठीक है टायर बिल वार्न आउट ऐट सेंटर टायर विल बियर आउट ऐट एजेज टायर विल क्रैक एट एज या टायर विल क्रैक एट सेंटर ठीक अधिक हवा होने पर यहाँ पर टायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो अधिक हवा होने पर क्या होगा टायर विल वार्न आउट ऐट सेंटर ठीक है वी आर आउट एट सेंटर जो सेंटर है वहाँ से टायर घिसेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है वाई टायर वियर फाउंड एब इन द व्हीकल ठीक है व्हीकल में टायर वियर असाधारण क्यों होता है लूज व्हील नट इम प्रॉपर लिंकेज एडजस्टमेंट इम प्रॉपर टोल इन एंड टोल आउट या इम प्रॉपर टायर प्रेशर ठीक तो यहाँ पे राइट right आंसर आपका इम प्रॉपर टो इन एंड टो आउट यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ठीक तो इम्प्रॉपर टो इन और टो आउट रहेगा उस केस में टायर में एबनॉर्मल वियर होता है कुछ नंबर एटीन है विच डिवाइस परमिट्स एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम ठीक है एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा डिवाइस है जो एयर को परमिट करता है ठीक हैंड कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व या ब्रेक वाल्व राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ब्रेक वाल्व क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हुई मटेरियल यूज फॉर ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार्स ठीक है एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारो के लिए ब्रेक रोटर्स और ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है सिंटर डे कार्बन फाइबर रेनफोस्ट कार्बन कंपोजिट या एसबेस्टस या कॉपर ब्रास स्टील ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी कार्बन फाइबर रेनफोस्ट कार्बन कंपोजिट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज द परमिटेड ब्रेक पैडल ट्रैवल इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो है ब्रेक पैडल ट्रैवल कितना होता है तो ब्रेक पैडल ट्रैवल होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में सात से बारह एम mm. कितना होता है आपका ऑप्शन सी सेवन टू ट्वेल्व एम एम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है व्हिच डिवाइस डिटेक्ट द ड्रिवन व्हील स्पिन थ्रो सेंसर ठीक है कौन सी डिवाइस है जो व्हील की गति यानी जो स्पिन हो रहा हो घूम रहा हो उसका सेंस करती है ई बी यू ई सी यू टी सी एस या ई एल सी डी राइट ई एल एस डी सॉरी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ई सी यू क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का क्या फंक्शन होता, होता है क्या उद्देश्य होता है प्रिवेंट स्पिनिंग रिलीज द प्रेशर टू एक्सपेंशन टैंक रिड्यूस द इंजन इंजन को कम करना या रिड्यूस स्टीयरिंग इफर्ट राइट आंसर आपका ऑप्शन ए प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग जो व्हील स्पिनिंग है उसको रोकना क्वेश्चन नंबर मोटर व्हीकल एक्ट केम इन टू फोर्स ठीक है मोटर व्हीकल अधिनियम जो है मोटर वाहन अधिनियम कब से लागू हुआ है वो लागू हुआ आपका एक जुलाई उन्नीस नवासी ऑप्शन ए एक जुलाई नाइनटीन एटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वाट इज द वैलिडिटी ऑफ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है तो उसकी वैलिडिटी होती है आपकी ऑप्शन ए सिक्स मंथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वही फॉर्म इज़ यूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट ठीक है मोटर व्हीकल एक्ट में जो फिजिकल फिटनेस है उसकी घोषणा करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है फॉर्म वन फॉर्म वन ए फॉर्म नाइन या फॉर्म ट्वेंटी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए फॉर्म वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द फॉलोइंग फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इनमें से कौन सा फॉर्म आवश्यक है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी फॉर्म एल एल डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइपिंग अगर इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा लो पावर जनरेशन हाई फ्यूल कंजम्पन इंजन डज नॉट स्टार्ट या हाई आयल कंजम्पसन राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इंजन डज नॉट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है वॉट विल बी द अफेक्ट इफेक्ट इन द इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ लूज फैन बेल्ट अगर फैन बेल्ट लूज हो तो इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा इंजन ओवर हीटिंग ठीक है इंजन ज़्यादा गर्म होगा लो पावर जनरेशन कम पावर जनरेट होगी हाई फ्यूल कंजम्प्शन ईंधन की अधिक खपत होगी या हाई फ्यूल प्रेशर इंजन का अधिक प्रेशर होगा राइट right आंसर है आपका ऑप्शन ए इंजन ओवर हीटिंग इंजन ज्यादा हीट होगा आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है वट इज द फायरिंग ऑर्डर फॉर फोर सिलेंडर इंजन फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो होता है आपका वन थ्री फोर टू राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वन थ्री फोर टू क्वेश्चन नंबर थर्टी है हाउ मेनी स्पार्क प्लग्स आर हाउ मेनी स्पार्क प्लग्स आर इग्नाइटेड एट द सेम टाइम इन डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम ठीक है बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं दो तीन चार या पांच राइट आंसर आपका ऑप्शन ए टू यानी दो कुछ थर्टी वन हुई इन द इंटेक मैनिफोल्ड और थ्रॉटल बॉडी थ्रॉटल बॉडी या इनटेक मैनिफोल्ड में कौन सा सेंसर लगा होता है तो थ्रॉटल बॉडी या इंटेक मैनीफोल्ड में जो आपका सेंसर होता है वो होता है आपका मास एयर फ्लो सेंसर कुछ थर्टी टू में हुई सेंसर यूज टू सेंस वाइब्रेशन वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए किस तरह का सेंसर यूज करते हैं sensor, sensor, right A, हम इंजन नॉकिंग सेंसर हॉल इफेक्ट सेंसर एयर वर्टेक्स सेंसर या व्हीकल स्पीड सेंसर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इंजन नॉकिंग सेंसर क्वेश्चन थर्टी थ्री व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिस्टम जो कोल्ड स्टार्ट सिस्टम है उसका स्पेशल फीचर क्या है प्रोवाइड एडिशनल फ्यूल ड्यूरिंग स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना प्रोवाइड पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉजिटिव स्टार्टिंग प्रदान करना इनटे मैनीफोल्ड डिटरमाइन टाइमिंग एंड सिक्वेंस ऑफ फ्यूल इंजेक्शन ठीक है राइट right आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना यानी प्रोवाइड एडिशनल फ्यूल डेयरिंग स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आउ हुई टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में जनरली कौन सी डीसी स्टार्टर मोटर प्रयोग में आती है सीरीज टाइप संट टाइप कंपाउंड टाइप या पैरेलल टाइप राइट right आंसर आपका ऑप्शन ए सीरीज टाइप क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ओम्स ला ला ऑफ रजिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लेंज ला ठीक है राइट right आंसर आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप एग्जाम देके जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन इनसे आपको मैच हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक डायोड्स ठीक है डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं हम तो डायोड को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन ऑप्शन बी सिलिकॉन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हाउ द आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद कम्यूटेटर ठीक है जो आर्मेचर वाइंडिंग का एंड्स है वो कम्यूटेटर के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग का एंड कम्यूटेटर के साथ सोल्डरिंग के द्वारा कनेक्ट किया रहता है क्वेश्चन थर्टी एट वाट इज द मिनिमम आर पी एम ऑफ क्रैंक साफ्ट रिक्वायर टू स्टार्ट द इंजन ठीक है इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक साफ्ट को कम से कम कितने आर पी एम की जरूरत होती है एक सौ अस्सी आर पी एम दो सौ आर पी एम सौ आर पी एम या एक सौ पचास आर पी एम राइट right आंसर आपका ऑप्शन सी हंड्रेड आर यानी सौ आर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वाट इज द पर्पज ऑफ अल्टरनेटर एक अल्टरनेटर का क्या पर्पज होता है क्या उद्देश्य होता है प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट हाई आर पी एम हाई आर पी एम पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लो आर पी एम लो आर पी एम पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना या प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई एट हाई आर पी एम हाई आर पी एम पर एक समान इलेक्ट्रिसिटी बनाना या प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक सप्लाई एट हाई आर पी एम ठीक है हाई आर पर वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाना तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लो आर क्वेश्चन नंबर कुछ ना फोर्टी वाट काजेज नो चार्ज वैन इंजन इज रनिंग ठीक है वाट इज नो चार्ज वैन इंजन इज रनिंग ड्राइव बेल्ट लूज शॉल्टेड रेक्टिफायर स्टिकी रेगुलेटर या ब्रशेस नॉट सीटिंग प्रॉपरली ठीक राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ड्राइव बेल्ट लूज उस केस में क्या होगा चार्जिंग नहीं होगी ठीक ये चालीस क्वेश्चन थे आपके एम एम ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए तो अगर आप कोई कंपटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप आईटीआई या सीटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको सारे मॉडल पेपर्स सारी जॉब्स की वैकेंसीज और जो भी अपडेट होती है आईटीआई या सी से रिलेटेड वो सब आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू